नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश, आप सभी का अपने YouTube चैनल GS विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहां GS स्पेशल की फोर्थ सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये क्लासेस डेली आपके लिए 6 PM पर लेके आई जाती हैं, यानी शाम को 6 बजे ये क्लासेस आती हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, सूची एक का सूची दो के साथ में मिलान करना है। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, सूची एक का सूची दो के साथ में मिलान करना है। एक तरफ कुछ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ इनके संस्थापकों के नाम हैं। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर। ये चार समाचार पत्र और इनके संस्थापकों के नाम दिए हुए हैं आपके सामने। तो हम देखते हैं, जो द नेशनल हेराल्ड था ये किससे संबंधित था। तो द नेशनल हेराल्ड अखबार जो था ये जवाहरलाल नेहरू, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो हमने सी को मिलाया दो से। आप देखेंगे सी के दो में दो आंसर दिए हुए हैं, ए में और डी में। चलिए आगे देखते हैं, द पायनियर अखबार, द पायनियर जो समाचार पत्र था इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे जॉर्ज एलन। इनके अलावा दैनिक आज समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे शिव प्रसाद गुप्त, तथा द लीडर अखबार जो था ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हम देखते हैं, इस प्रकार से हमने इन्हें मिलाया, ए को मिलाया हमने डी से, ए को मिलाया हमने चार से, ठीक है। इसके बाद बी को मिलाया हमने तीन से, सी को मिलाया दो से और डी को मिलाया एक से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब pH का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। हम जानते हैं जो pH पैमाना होता है, pH पैमाना किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का मापक होता है। इसमें 0 से 7, 0 से लेके 6.9 तक जो पैमाना होता है, या ये किस प्रकार का दर्शाता है, ये अम्लीयता को दर्शाता है। 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीयता को दर्शाया जाता है। 7 जो होता है ये क्या होता है, 7 पर उदासीनता को दर्शाता है। और 7 से 14 के बीच में जो है क्या दर्शाई जाती है, ये क्षारीयता को दर्शाता है। तो 0 से 6.9 तक कोई होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7.1 से 14 के बीच में होगा तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। और जबकि 7 पर क्या होता है, 7 पर होता है उदासीन। तो हम देखते हैं यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शंस को, एच आयन की सांद्रता में कमी, OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, एच आयन की आयन की सांद्रता में वृद्धि और OH आयन की सांद्रता में कमी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा आंसर हो जाएगा OH ऋण आयन की सांद्रता में वृद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो संविधान के संशोधन 31 के द्वारा, कौन सा संशोधन था, ये संशोधन था 31वां। 31वें संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। और ये संशोधन कब हुआ, तो ये जो संशोधन हुआ था 1973 में। विधेयक आया 1972 में और संशोधन कब हुआ, 1973 में। आंसर क्या हो जाएगा, 31वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग क्यान ने स्वर्ण पदक जीता। तो जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था ये चीन की निशानेबाज यांग क्यान के द्वारा जीता गया। किस देश से संबंधित हैं, चाइना से। और किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में आयोजित हुए, इसमें पहला स्वर्ण पदक चीन की खिलाड़ी यांग क्यान के द्वारा जीता गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ ये किस किस के बीच हुआ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। और कारगिल विजय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 जुलाई, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है आपका दर्रा, जो माउंटेन पासिस होते हैं, पर्वतों के बीच में से निकलने के मार्ग होते हैं, उन्हें दर्रे कहा जाता है। हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित ये दर्रा जो है ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, ये दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं जो धनपत राय नाम से किस उपन्यासकार को जाना जाता है, या किस उपन्यासकार का वास्तविक नाम धनपत राय था। तो मुंशी प्रेमचंद। ये अलग अलग नामों से
जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत की आज़ादी से पहले अलग अलग नामों से अपने कहानियों को लिखते थे। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ गबन गोदान आदि हैं, कर्म भूमि आदि हैं। तो ये इस आज़ादी के बाद इन्होंने जो नाम अपनाया वो मुंशी प्रेमचंद था। इससे पहले ये अलग अलग नामों से लिखते थे, उन्हीं में से एक नाम था धनपत राय। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर में कुछ डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ डिवाइस जो हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा माउस को देखेंगे तो ये भी इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? डी मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन हैं? आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रतिपादक हैं ये हैं श्री रविशंकर। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो है आपकी 9। उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु संबंधित क्षेत्र हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो अंग्रेजों के समय अधिनियम आते थे और उनके द्वारा भारत में कई सारे काम हुए थे। हम देखते हैं 1973 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1947 में आखिरी एक्ट आया जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था। तो इन ऐसी प्रकार से ये काफ़ी सारे एक्ट हैं जो ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए। 1773 से 1853 तक जो एक्ट आए वो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे और 1858 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम आए इन अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये दो प्रकार के एक्ट होते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना जो की गई, यूपीएससी की जो स्थापना की गई ये किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है के द्वारा की गई। और कब की गई? तो ये 1926 में, 1926 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो प्रचलन हुआ किसके शासनकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा बी चोल वंश के शासनकाल में विमान शैली प्रचलन में आई। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है ये किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? टिटनेस की रोकथाम के लिए। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी? तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। यह राष्ट्रपति को जाएगा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को पारित को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो क्यूबा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन, किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से, नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्यम स्तर जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिफल। आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर में ये जो कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई? 1975 में। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद। इसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर में स्थित है ये, स्थापना 1975 में हुई और ये 29 जिलों से संबंधित है, ये 29 जिलों से संबद्ध है। खबरों में रहा अशफाकउल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो जो अशफाकउल्ला खान चिड़ियाघर है जो हाल ही में खबरों में रहा था ये गोरखपुर में स्थित है। अशफाकउल्ला खान देश की आज़ादी के लिए प्रयास करते हुए फांसी चढ़ने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान हैं। हम कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ने वाले पहले मुसलमान कौन माने जाते हैं? अशफाकउल्ला खान माने जाते हैं।
ये एचआरए के क्रांतिकारी थे। एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई और एचआरए के क्रांतिकारियों ने 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। इन्होंने जो सरकारी खजाना था उसे लूट लिया था। बाद में लोगों की गिरफ्तारी की गई और इन्हें अशफाक उल्ला खान को जो फांसी की सज़ा दी गई, कहाँ दी गई, फैजाबाद जेल में। फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। 20वां क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो हम देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक है वो कितनी हो जाती है, 101 रैंक होती है। और 2020 में ये रैंक कितनी थी, तो 2020 में जो रैंक थी वो थी 94। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है? सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा अधिनियम 1992 में आया। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। NSE का सूचकांक निफ्टी है। तो हम देखते हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे, सी। असत्य कौन सा है, सी। जबकि सेबी जो है, सेबी की स्थापना जो है ये 1988 में हुई थी और 30 जनवरी 1992 को इसे इसका अधिनियम आया और इस अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक घोषित किया गया, जो इसे मतलब कहेंगे विधिवत मान्यता दी गई। इसे विधिवत मान्यता कब दी गई, 1992 में। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। तीनों ही बाकी ठीक हो जाएंगे, गलत क्या होगा इसमें, सी। तो यहाँ गलत ही पूछा गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में लॉन्ग के लिए GI टैग दिया गया? जो GI टैग होता है ये क्या होता है, GI टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग कहा जाता है। इसके द्वारा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या क्षेत्र को विशेष घोषित किया जाता है, जिसके आधार पर कि यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फेमस है, यहाँ पाई जाने वाली, यहाँ उत्पादन होने वाली ये चीज़, इस जगह की पहचान है। इसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग भी कह दिया जाता है। इसे वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये टैग का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ये चेन्नई में। आंसर हो जाएगा हमारा सी, तमिलनाडु। लॉन्ग के लिए GI टैग कैसे दिया गया है, तो तमिलनाडु को। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं जो बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये तंजौर तमिलनाडु, तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज चोल के द्वारा की गई और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की। निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? तो सभी अंगों का जो जैक कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, ट्रेडों का जैक जो कहा जाता है ये त्वचा को। त्वचा सही आंसर हो जाएगा इसका। त्वचा जो है ये हमारे शरीर का प्राथमिक अंग है, जो महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे पसीना आना, हमारे शरीर से जो लवण की मात्रा है उसे बाहर निकालना, पसीने के द्वारा कई सारे कार्य करते हैं, यूरिया को बाहर निकालता है। इस वजह से त्वचा जो कि एक प्राथमिक अंग है, इसे सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो न्यूनतम जनगणना वाला राज्य है, जनघनत्व वाला राज्य है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व था ये था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व किसका था, तो सर्वाधिक जनघनत्व था आपका बिहार का, और बिहार का जो सर्वाधिक जनघनत्व था ये था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व आया ये कितना था, 829। उत्तर प्रदेश का जनगणना तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जो होगा ये कितना हो जाएगा, बिहार का 1106, और उत्तर प्रदेश का कितना था, तो उत्तर प्रदेश का 829। तो ये सीरीज आज यहाँ कंप्लीट होती है। ऐसी ही सीरीज के लिए डेली आप 6 बजे से ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। क्लासेस से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग।